गुड मॉर्निंग दगड़िया, खूबसूरत से दिन की शुरुआत हो रही है ससुराल से। आज जाने की तैयारी है, अपने बैग वैग सारे पैक हो चुके हैं सुबह ही। ये देखो चलते हैं, अब टीका युवा लग चुका है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी सा। राधे राधे दगड़ी माँ गणेश विश गंगोली आठ उत्तराखंड से एक बार फिर से आ चुका हूँ आप सभी के मोबाइल फोन में टीवी स्क्रीन में। तो यार दगड़िया के रे रोल हरप्पा, फिलहाल ससुराल से निकलने के बाद अब सीधे अल्मोड़ा पहुँच चुके हैं हम लोग। अल्मोड़ा पहुँच के आप लोगों से मुलाकात हो रही है। मेरे पीछे अल्मोड़ा का पूरा शहर जो है नजर आ रहा है, इस तरफ वाला धारानौला साइड का, उस तरफ के पहाड़ी के उस तरफ और भी उतना ही ज़्यादा वो है। दगड़ियों एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, अगर कभी आप अपने ससुराल से आते हो तो बीवी उस टाइम पे जो है थोड़ा इमोशनल हो जाती है, तो उसको कैसे कैसे मतलब खुश किया जाए? आज ये थोड़ा सा छाई छाई हेलो इमोशनल है दगड़ियो आज ये काफ़ी ज़्यादा। तो आज इसने ब्लॉग भी कुछ नहीं बनाया, रास्ते में भी कुछ शूट नहीं किया, सुबह रोनन में ही यार दगड़ियो कोई नहीं। आई अब जल्दी आएगी, अपने घर से दूर होने का इसको आज थोड़ा सा दुख है। फिलहाल चलते हैं, मौसम बिल्कुल खतरनाक वाला बन चुका है। ये देखो पूरी बारिश चल रही है ऊपर सब सारे टॉप पहाड़ों में। अल्मोड़ा को तो फिलहाल जब हम पहुँचे थे ना रोड गीली लग रही थी, फिलहाल जो है अभी बारिश रुकी हुई है यहाँ पे। अब निकलते हैं, एक बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं आज हम। हाँ, और सामान देखो, इसमें है घर के चावल और ये बैग है एक, और एक ये बैग है कुछ इस प्रकार से। स्कूटी पूरी पैक है हमारी। अब्बो ओए कैसा जिता रहे हो, फील बेटर हैं? अरे ओए अच्छा लग रहा है, आप बोलन ले ना दगड़ियो, ये हल्द्वानी ताकुला वाली बस जाती हुई। जय हो गुरुदेव, चित ही पहुंच चुके हैं दगड़ियो, और अब बारिश भी हल्की हल्की शुरू होती हुई। दगड़ियों फाइनली घर पहुंच चुके हैं हम लोग। निकले थे वहां से एक तकरीबन 12 बजे और 6:30 बजे के करीब घर पहुंचे। बहुत थक गए दगड़ियों आज, बहुत सफ़र काफ़ी लंबा था और बीच बीच में स्टॉप भी रही। भयंकर धर्मपत्नी जी का मूड ऐसा ही था, इस वजह से आज वो ब्लॉग बनाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। घर आए मेरे यार दगड़ियों, थोड़ा बहुत निशाज जो है ना लगने लगे भी, उसका भी आज ऐसा ही मूड है। और फिलहाल शाम का समय हो चुका है, पापा तो दुकान में ही हैं, वो अभी नहीं आए हैं। मैंने बोला मैं चलता हूँ थोड़ा सा, पापा मेरे बहुत थक गया हूँ दगड़ियो बहुत। खैर बुआ बना रही है रोटी वोटी आज, इसको भी ये भी थकी हुई है, अभी फिलहाल बाहर है। फिलहाल ऐसा ही है दगड़ियो। दगड़ियो घर आते ही ये देखो कैसा जिता रहे हो, फील बेटर हैं? घर की याद आ रही है? कल तक क्या कर रही थी तू इस टाइम पे? तू तो गड़ियों लग चुकी है अभी खाना बनाने में। किचन की हालत दिखा दो जरा, मैं नहीं थी जब तक। किचन कुछ गलत हो रहा है क्या दगड़ियों यार? मेरे को तो कुछ गलत नहीं लग रहा है, क्या गलत हो रहा है रे? जो चीज जहाँ पे है झाड़ू यहाँ रखा था चूल्हे के ऊपर। सॉरी शक्तिमान, अब जरूरत थी यार जरूरत। कैसा चिता रहे हो तुम,
दगड़ियो गाड़ी में इसने मेरा इतना मूड खराब किया ना, शिव रो मत रो मत, चली जाएगी कल को, एक ही दिन तो रहना है तुम्हें यहाँ। है अब कहाँ जाऊंगे, अब तो मैं सीधे बाद में जाऊंगा। चल ठीक है। ए, क्यों रो मैं? दीक्षा ब्राह्मण उन्होंने रोड दीदी बुढ़ोनी क्या बना रही है? इसकी सब्जी क्या है ये? मूली। दगड़ियों तो खाना पीना भी हो ही चुका है और शाम को घर पहुंच गए थे हम 6:30 बजे के करीब। उसके बाद बुआ ने जो है खाना आना भी बना ही लिया था आज, और पापा को भी खाना आना खिला के सुला दिया है। और बीवी तो आज दगड़ियों और दिन जो है आज कुंभकर्ण की नींद पहले ही जो है सो चुकी है। और वैसे भी होता ही है यार, दुख अब जो है ऐसे मतलब परिवार से एकदम अलग हो जाना, एक नई जगह एडजस्ट वगैरह करना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। खैर नई नई अभी शादी हुई है तो ये देखो और जी यार। और दगड़ियों इसने आज जो है इस वजह से ब्लॉग भी नहीं बनाया है, थोड़ा बहुत एब्सेंट थी ये, आज इसने मेरे से बात भी नहीं की। वैसे सुबह से ऐसे ही है, मतलब सोचने में ही है उस समय से, और ये ब्लॉग बना दिया तो थोड़ा लोग जो है ज़्यादा देखते हैं। क्या यार तुझमें ऐसा, अरे जिसकी वजह से दगड़ियों व्यूज भी तगड़े तगड़े आते हैं। और अब फाइनली सोने का टाइम भी हो ही चुका है यहाँ दगड़ियों। पौने दोनों आप मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, होपफुली ये ठीक हो जाएगी, थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाने में भी मेरे साथ मेरी मदद करेगी, इसी उम्मीद के साथ सो जाते हैं। मिलते हैं कल अब आपको एक नए ब्लॉग के साथ दगड़ियों, तब तक के लिए खुश रहेगा, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा और सबसे जरूरी बात स्वस्थ रहेगा। जय हिंद जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय।